नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप दशहरे पर 5 नंबर की हेल्प से रावण का चित्र बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह एक 5 नंबर लिखना होगा, और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो दोस्तों उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। 5 नंबर लिखने के बाद बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन भी ऐसे ड्रॉ करना होगा, बीचों बीच ड्रॉ करिएगा पेंसिल की हेल्प से। फिर आप इस 5 नंबर को यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ मिला दीजिएगा। नीचे की तरफ मिलाने के बाद यहाँ से बहुत ही सावधानीपूर्वक ले जाइएगा, जैसे आपका इस साइड है इसी तरह आपको ले जाना होगा। यहाँ से ऐसे ले जाइए, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों जस्ट बीच में ही आपको एक छोटा सा हाफ सर्किल इधर ऐसे बनाना होगा। फिर इसके बाद ऊपर के साइड में भी ऐसे हाफ सर्किल बनाइएगा। फिर बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको डबल करना होगा। डबल करने के बाद एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिएगा बाहर की तरफ। इसी तरह आपको एक बड़ा सा वी लेटर यहाँ पर लिखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इधर से आपको नीचे की तरफ यहाँ पर मिलाना होगा। बीच वाले हाफ सर्किल को भी डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है इसका यूज करते हुए आप यहाँ पर एक आई बना देंगे और 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ करिएगा। देखिए, आपको बनाना है पहले रावण का आई, यहाँ से ऐसे करिए, इसको मिलाइएगा। फिर इसके बाद जैसे आपने इस साइड किया है इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इधर भी रिपीट करना होगा। छोटा सा सर्किल बनाकर यहाँ पर डार्क कर दीजिए, फिर आईब्रो बना दीजिएगा। इससे आसान तरीका आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। यहाँ से ऐसे करिए, इसको नीचे की तरफ छोटा सा हाफ सर्किल इधर ऐसे ले जाइएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको ऊपर की तरफ घुमाना होगा, यहाँ पर भी घुमा दीजिए, इसको डबल करिएगा, बड़ी सी मूंछ बनाइएगा, यहाँ पे डबल करिए। फिर नीचे की तरफ ले जाइएगा, यहाँ से भी आप ऐसे डबल कर देंगे। छोटी सी लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर आपको हल्की सी लाइन हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इधर ऐसे ले जाना होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इस बीच वाले लाइन को आगे की तरफ हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। इस साइड भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर स्केल का यूज करिएगा, तब एक आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है दशहरे का त्यौहार क्यों मनाया जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको 10 सिर यहाँ पे रावण का बनाना होगा। देखिए कैसे बनाना, हम यहाँ पे एक बता देंगे, उसके बाद उसी तरह हम इस साइड भी फास्ट करके आपको दिखा देंगे। देखिएगा, यहाँ से आप पहले एक लाइन ड्रॉ करिएगा हल्की सी, ये हो जाएगा। लाइन को ड्रॉ करने के बाद इधर से आप एक वी लेटर बनाते हुए यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ऐसे करना होगा, इसको डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद दोस्तों एक बार आपको छोटा सा यहाँ पे हाफ सर्किल बनाना होगा। फिर एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे, छोटा सा हाफ सर्किल। फिर इधर जैसे आपने इधर बनाया है उसी तरह आपको इस साइड भी बनाना होगा। फिर छोटा सा यहाँ पर ऐसे करिए, फिर लाइन 3 लाइन ड्रॉ करिएगा। अब आपको इधर रावण का आई बनाना होगा। यहाँ पे ऐसे करिए, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा, अंदर की तरफ बढ़ाइएगा और आपको आईब्रो बनाना होगा। फिर इसके बाद छोटे छोटे आपको बनाने होंगे। यहाँ से ऐसे इसकी मूंछ बना दीजिएगा, यहाँ पर करिए, आगे की तरफ बढ़ाइएगा, छोटा सा हाफ सर्किल इस तरह आप बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम यहाँ पर 10 सिर बना लेते हैं, फिर इसके बाद कलर भी करना सीख लेते हैं।